न्यूज़पेपर पल्प बनाने के लिए आपको एक बाउल में पानी लेना है, या फिर आप एक बड़ी बकेट में पानी ले लें। आपको 2-3 न्यूज़पेपर्स फुल साइज के इस तरह से उनको हैंड से टियर करते हुए डिप कर देना है। अब 2-3 न्यूज़पेपर को सीजर की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपली हैंड से इस तरह से उसको छोटा छोटा टियर करते हुए डिप कर दीजिए इस तरह से, और इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। 24 आवर्स पूरा डिप रहने के बाद ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल, आप इसको इजीली पूरी तरह से ये यूज करने लायक हो जाएगा। आफ्टर 24 आवर्स या एटलीस्ट 12 आवर ओवरनाइट हो इसका डिप करना, तब ये इस तरह का हो जाएगा जिसको हम इजीली मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पूरा पल्प में से आपको लगभग एक मुट्ठी पल्प इसमें डाल देना है मिक्सचर में। इसके साथ आप पानी डालें, अदरवाइज आपका मिक्सचर हैंग हो जाएगा, मिक्सचर खराब हो सकता है। तो आप इस तरह से थोड़ा डालें, उसमें पानी डालें और पानी के साथ आप इसको ग्राइंड करिए। ये देखिए इस तरह से पल्प रेडी हो जाएगा, बिल्कुल पीस के स्मूथ हो गया है। अब इसको हम पल्प बनाने के लिए, क्ले बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको इसका पूरा पानी निकाल देना है। तो मैं ये छलनी यूज कर रही हूँ, आप हैंड से इस तरह से कर करके भी पानी को निकाल सकते हैं, मुट्ठियां बना बना के स्क्वीज कर दें पूरा वाटर। जितना वाटर इसमें है आपको बहुत अच्छे से पानी को निकाल देना है, पूरा पानी निकलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पल्प आपका क्रैक्स आएंगे आपके पल्प में। जब आप क्ले बनाएंगे उसमें फिर क्रैक्स आएंगे क्योंकि वाटर आप छोड़ देंगे, आपको वाटर इसका पूरी तरह से एकदम से निचोड़ के पूरा पानी निकाल देना है। जितना आप स्क्वीज करेंगे उतना पानी निकलता जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से उसका पानी निकाल लेंगे तब ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। जब इस तरह तैयार हो जाए उसके बाद आपको पूरा पल्प, ये मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा आपको बताया है, आपको जितने आपने न्यूज़पेपर्स किए हैं उन सबका इसी प्रोसेस से आपको पल्प, ये न्यूज़पेपर पल्प रेडी कर लेना है। न्यूज़पेपर पल्प को पीस लेने के बाद, उसका पूरा पानी निकालने के बाद आपको इस तरह से ये पल्प न्यूज़पेपर के पीसेस बिल्कुल ड्राई होके इस तरह से मिलेगा आपको पूरा। इसको आपको मैदा या कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स करना है, आपके पास जो भी इस वक्त अवेलेबल हो, मैदा और कॉर्नफ्लोर उनमें से आप यूज करिए। 1 टीस्पून कोई भी रिफाइंड ऑयल एंड फेविकोल, आपको ये चार चीजों को मिक्स करते हुए आप इजीली पेपर मेशी क्ले रेडी कर सकते हैं। ये मैंने इसमें कुछ न्यूज़पेपर का पल्प लिया है, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दे रही ताकि ये ज्यादा स्टिकी ना रहे, और इसमें फेविकोल डाल देंगे। फेविकोल लगभग 2 स्पून है, बाकी आपको आइडिया से अपना, जब आप इसको एक डो की तरह रेडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे और डालना है। अगर आपको लगता है और डालना है तो आप इसमें और डाल दें। आप अच्छे से इसको मिक्स करिए, जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं, डो लगाते हैं, उसी तरह से आपको ये करना है। तो इसके लिए आप इसमें जो भी आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मिक्स करते जाइए और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाइए। आपको लगता है तो आप थोड़े से दाने भिगोने के वक्त मेथी के भी इसमें डाल सकते हैं ताकि वो उसका एक जो स्मेल आ रही है न्यूज़पेपर की वो ना आए, और थोड़ा मेथी का जो खुशबू है वो भी आए, और
उसके लिए वो ठीक रहेगा। इसको मिक्स करते जाइए, इस तरह करते करते आपका ये डो रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको इकट्ठा कर लें पूरी तरह से। बिल्कुल आटे की तरह आपको इसको रेडी कर लेना है अच्छे से, जितना आप इसको डो की तरह, जैसे आटा हम बार बार इसको अच्छे से मुट्ठी से करते हैं तो वो और अच्छा डो लग जाता है रोटी का, उसी तरह से इसको भी आप जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे से ये हमारा डो रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये पेपर मेशी का क्ले रेडी है। इस तरह का डो आप अच्छे से बना लें, उसके बाद आप शेप देके चीजें जो भी आपको पसंद है वो शेप्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ये शेप बनाया था, इसको कम्प्लीटली ड्राई कर लिया और व्हाइट एक्रेलिक कलर मैंने इसको अप्लाई किया। इसके ड्राई होने के बाद इसको येलो कलर से पेंट करके इसके ऊपर कुछ डिजाइन बना दिए हैं। अभी एक सिंपल पेपर वेट या टॉय के रूप में यूज किया जा सकता है और ये काफी मजबूत होता है। आप इनको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होता, ये जितना भी आप इसको घिराए ब्रेक नहीं होगा। तो आप इसके टॉयज भी बच्चों के लिए बना सकते हैं, लाइट वेट टॉयज। इसी तरह से मैंने एक ये वॉल हैंगिंग बनाया है बालकनी के लिए। ये कुछ 7-8 ईयर्स हो चुके हैं इसको बनाए हुए। ये सिंपली राइस प्लेट जो हमारा होता है इसमें मैंने ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद इसको इस पूरे डो को फैला के छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए 2-3 डेज में। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया उसके बाद मैंने इसको निकाला और पेंट करके इसको डेकोरेट किया। जब यहाँ पे मैंने प्लेट में इसको किया था तभी इसमें नोज, आईब्रोज एंड लिप्स, ये तीन चीजें मैंने तभी इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दी थी अलग से क्ले से, और करके इसको साथ ही ड्राई होने दिया। और उसके बाद ड्राई होने के बाद ब्लैक कलर पेंट करने के बाद ऊपर से ये डेकोरेट कर दिया। ये भी काफी मजबूत है, बर्ड्स वगैरह इसको गिराते रहते हैं और इतने ईयर्स में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो बहुत अच्छा क्ले ये है जो आप घर पे इजीली न्यूज़पेपर यूज करते हुए बना सकते हैं। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन दबाएं, उसके साथ बेल आइकन दिया हुआ है अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इजी टू मेक। बाय बाय।